ये बेरहम शिकारी इस घायल बाघ के पास जाते हैं। बाघ तिल मिलाकर शिकारी की तरफ भागता है, लेकिन कुछ कदम बाद वह रुक जाता और इसका खून बहने लगता है, क्योंकि इसकी गर्दन एक तार से बंधी हुई है। उसके ताजा खून से उसके बाल लाल हो गए थे। तार के बंधे होने से इसको सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। कप्तान उसके पास जाता है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बाघ गुस्सा होता है और दो शिकारियों के पास जाता है और गुस्से से दहाड़ता है। यह शिकारी बिल्कुल निर्दयी था। ये इसके बच्चे को आगे रखते जाल में फंसाने के लिए अभी बाघ दिखावा कर रहा था, उन्हें डराने या मारने के लिए। फिर वह कप्तान की तरफ दौड़ जाता है और जैसे ही वह कूदता है तभी ने उसे गोली मार दिया। ये शिकारी बाघ और शावक खून से लथपथ पड़े। अब इसे वह छुआ नहीं। फिर उसी समय जंगल में दूसरा बड़ा बाघ दौड़ रहा है। उसकी रफ्तार उड़ने जितना तेज थी, लेकिन जंगल के किनारे पर एक खाई थी। यह कूदना चाहता था लेकिन कूदा नहीं। यह केवल वही खड़ा हो सकता है और अपनी पत्नी को उन शिकारियों को ले जाते हुए देखता है। तभी जंगल में क्रोधित चीख पुकार मच गई। जब शिकारी गांव लौटे, वो बाघ और दोनों शावकों को जापानियों के हवाले कर देते हैं। वे फोटो खींचते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं बिना किसी दया के। पार्ट 2 के लिए हमें कॉमेंट करें।